नमस्कार दोस्तों, इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं कब्ज के विषय में। हालांकि हमने इसका होम्योपैथिक वीडियो पहले बनाया है, तो अगर आपने देखा हो तो उससे लाभ प्राप्त किया हो तो अच्छी बात है। आज हम इसका बायोकेमिक दवा बताने जा रहे हैं, तो जो कोई भाई कब्जियत से पीड़ित है तो इस तरीके से बायोकेमिक दवा लेकर के अपने कब्जियत की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और बायोकेमिक दवा नुकसान नहीं करती, हर हाल में फायदा ही करती है। चाहे आपका लक्ष्य पूरा हो या ना हो, मगर ये कहीं ना कहीं शरीर में जाकर फायदा ही करती है और ये आपका टिश्यू कंप्लीट करती है। तो बायोकेमिक दवा के जरिए से आप अपनी कब्जियत जो है ठीक कर सकते हैं, अपना कॉन्स्टिपेशन सही कर सकते हैं। तो शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर को। पखाने की हाजत ही ना हो या कई बार थोड़ा थोड़ा पखाना है, ऐसा भी कब्जियत में होता है। कारण होता है इसका मानसिक उत्तेजना, नियमित रूप से परिश्रम न करना, ठीक प्रकार से भोजन न करना, जिगर के रोग आदि कारणों से कब्जियत हो जाती है। अब देखते हैं कि किस तरह की कब्ज में कौन सी दवा लेनी चाहिए। पित्त की अधिकता के कारण कब्ज, खासकर बच्चों में जीभ पर फटे दूध की तरह पीले रंग की मैल की परत जमी हो और ऐसे लक्षण हो तो नेट्रम फॉस 3x दिन में 4 बार देनी चाहिए। बायोकेमिक दवा 10 साल तक के 10 साल से कम के बच्चों को 2-2 गोली 4 बार या 3-3 गोली 3 बार देनी चाहिए और इससे ऊपर में 4-4 गोली 4 बार या 5-5 गोली 3 बार देनी चाहिए। इस तरीके से अब अगला दवा बताने जा रहे हैं। जब कब्ज पित्त की कमी तथा यकृत की क्रिया ठीक न होने के कारण हो, जीभ पर सफेद या राख की सी मैली पुती हो, पखाना सफेद फीके रंग के कीचड़ के समान हो, चिकनाई युक्त भोजन खाने से रोग बढ़े तो काली म्यूर 6x या 12x दिन में 4 बार लेनी चाहिए। शरीर में जलीय तरल पदार्थ के अनियमित संचालन की वजह से आंतों की श्लेष्मिक झिल्लियों के खुश्क हो जाने से के कारण पखाना सख्त हो जाए, मुंह से व आंखों से पानी आए तो नेट्रम म्यूर 30x दिन में 4 बार लेनी चाहिए। आंतों की गर्मी, श्लेष्मिक झिल्लियों की खुश्की, पेशियों की संकुचन शक्ति कम हो जाने, गर्भाशय व योनि के प्रदाह आदि के कारण कब्ज, रक्ताल्पता के कमजोर रोगी का कब्ज तो फेरम फॉस 6x या 12x दिन में 4 बार देनी चाहिए। इसके बाद है, जब सरल आंत के स्नायुओं की कमजोरी के कारण मल गुदा द्वार से बाहर निकले और फिर अंदर चला जाए तो ऐसी अवस्था में साइलिसिया 30x दिन में 4 बार देनी चाहिए। माने निकलता है फिर अंदर चला जाता है, तो इस ऐसी अवस्था में दिन में 4 बार साइलिसिया 30x देना चाहिए 30x। जब पखाना गुल्ली की बाती कड़ा हो, यहाँ तक कि पतला पखाना भी बहुत जोर देकर निकालना पड़े, पखाने के समय दुर्गंधित वायु निकले तो नेट्रम सल्फ 12x दिन में 4 बार देनी चाहिए। सरल आंत की पेशियों की कमजोरी के कारण जब मलाशय में मल जमा रहते हुए भी न निकले, कैल्केरिया फ्लोर 12x दिन में 4 बार देनी चाहिए। कड़े मल के साथ अंडे की सफेदी का सा श्लेष्मा लिपटा रहे, रक्ताल्पता, दुर्बल व वृद्धों का कब्ज तो कैल्केरिया फॉस 6x या 12x दिन में 4 बार देनी चाहिए, 6x या 12x कैल्केरिया फॉस। टीबी की अंतिम अवस्था में कब्ज, कब्ज के साथ श्वास प्रश्वास में कष्ट, मल रक्त मिश्रित कड़ा खुश्क एवं गांठ गांठ सा आए तो कैल्केरिया सल्फ 6x या 12x, 6x या 12x दिन में 4 बार दी जाती है। सरल आंत व मलद्वार के पक्षाघात के कारण कब्ज, निठल्ले लोगों का कब्ज, मल बड़ी बड़ी गांठों के रूप में आए, रक्त या श्लेष्मा युक्त मल आए, मल त्यागने में कष्ट हो तो काली फॉस 6x या 12x दिन में 4 बार देनी चाहिए।
भेड़ की बैगनी जैसा मल आए, रोगी को ठंडी खुली हवा में अच्छा लगे, तो काली सल्प 6x या 12x, 6x या 12x दिन में 4 बार देनी चाहिए। खासकर बच्चों में कब्ज, मल त्यागने के समय शरीर में अकड़न आए तो मैग्नेशिया फॉस 6x या 12x दिन में 4 बार देनी चाहिए, 6x या 12x। एक इसमें बायोकेमिक मिश्रण भी आता है, वो हम पहले बताए भी थे, BC4 बायो कॉम्बिनेशन 4 आता है, उसको भी दिन में 4 बार ले सकते हैं। इसमें बताई गई दवा के साथ भी BC4 ले सकते हैं, 10-15 मिनट के अंतर से, 10-15 मिनट के अंतर से ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम उसको भी। हल्का सादा भोजन करें, हरी सब्जियां, सलाद व फल प्रचुर मात्रा में खाएं, तली हुई व महीन चीजें, मैदा से बने खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड, केक, पेस्ट्री, बिस्किट आदि का सेवन न करें। तो दोस्तों, हमने कहा ये कब्ज का बता दूं, बहुत से भाई हमारे, बहुत से भाई बहन कब्ज से पीड़ित रहते हैं, तो हमने कहा आज एक बार फिर से कब्ज की बात कर ली जाए। इन बायोकेमिक दवाओं से आपका नुकसान किसी एंगल से नहीं होगा और आपको फायदा ही मिलेगा, किसी को पहले, किसी को 4 दिन बाद, लेकिन फायदा मिलने ही मिलना है। तो हमने कहा अगर कब्ज से पीड़ित हैं तो एक बार इस फार्मूले को ट्राई कर लें, पूरा वीडियो समझ लें और जो लक्षण आपसे मैच कर रहा हो वो दवा ट्राई करें। और BC4 तो आप शुरू ही कर सकते हैं बिना सोचे समझे, और उसके साथ 1-2 दवा एडिशनल इसमें से आप ट्राई कर सकते हैं। तो शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।